हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल के इतिहास के एक ऐसे रोमांचक मुकाबले के बारे में जिसको देखकर क्रिकेट फैंस के रोंगटे खड़े हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस केकेआर के बीच रोमांचक मुकाबले के बारे में, जो कि आईपीएल 2019 में खेला गया था, जो कि टाई पर खत्म हुआ था। तो गाइस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो में आपको इस मैच का पूरा हाल देने वाला हूँ, साथ ही साथ इस मैच से जुड़ी आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको आईपीएल से जुड़ी सभी न्यूज सबसे पहले मिलती रहेंगी। सो गाइस, इस मैच में कहानी स्टार्ट होती है टॉस से, जब दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। और गाइस केकेआर की टीम यहाँ पर बैटिंग करने आई, केकेआर की स्टार्ट अच्छी नहीं रही, लेकिन केकेआर की तरफ से आखिरी के ओवर में कप्तान दिनेश कार्तिक और आंद्रे रसेल के तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत केकेआर की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 185 रन का स्कोर खड़ा किया। केकेआर की तरफ से दिनेश कार्तिक ने 36 बॉल पर 50 रन बनाए, वही आंद्रे रसेल ने 28 बॉल पर 62 रन बनाए। और गई इन पारियों के बदौलत केकेआर की टीम ने डीसी को जीत के लिए पूरे 20 ओवर में 186 रन का टारगेट दिया। और गई 186 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम अच्छी बल्लेबाजी की, और दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से उनके युवा ओपनर पृथ्वी शाह ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। हालांकि इस मैच में पृथ्वी शाह अपने शतक से चूक गए, लेकिन आउट होने से पहले पृथ्वी शाह ने 55 बॉल पर 99 रन की पारी खेली। और जब तक पृथ्वी शाह क्रीज पर थे तब तक दिल्ली कैपिटल्स की जीत बहुत ही आसान लग रही थी, लेकिन जब पृथ्वी शाह आउट हुए तो उस समय दिल्ली कैपिटल्स को 10 बॉलों में 12 रन की जरूरत थी, लेकिन केकेआर के बॉलर्स ने आखिरी के ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी की। इस प्रकार से दिल्ली कैपिटल्स की टीम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन वो हारे भी नहीं और मैच को बराबर कर दिया, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स ने भी 20 ओवर में 6 विकेट पर 185 रन बनाए। सो गाइस इस प्रकार से यह रोमांचक मुकाबला टाई हो गया। इसके बाद मैच का फैसला सुपर ओवर में किया गया, और गाइस उसके बाद सुपर ओवर में दिल्ली कैपिटल्स के लिए बैटिंग करने आए श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत, वही केकेआर की तरफ से बॉलिंग करने आए प्रसिद्ध कृष्णा। और गाइस प्रसिद्ध कृष्णा ने इस ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी की और दिल्ली कैपिटल्स को उन्होंने सुपर ओवर में सिर्फ 10 रन पर रोक दिया। सो ऐसे में केकेआर को इस मैच को सुपर ओवर में जीतने के लिए 11 रन का टारगेट मिला। और केकेआर के बैटिंग लाइनअप को देखते हुए, जिस तरीके के आंद्रे रसेल हीटर है उसको देखते हुए 11 रन का लक्ष्य कुछ भी नहीं था, लेकिन इस सुपर ओवर में कगिसो रबाडा ने कमाल कर दिखाया। सो गाइस कगिसो रबाडा सुपर ओवर में दिल्ली कैप्टन्स के लिए बॉलिंग करने आए, वही केकेआर की तरफ से सुपर ओवर में बैटिंग करने आए आंद्रे रसेल, वही कप्तान दिनेश कार्तिक आए। और गई ओवर की पहली गेंद पर रसेल ने एक जबरदस्त चौका जड़ दिया। इस प्रकार से काफी अच्छी स्टार्ट की इस ओवर में केकेआर ने, और केकेआर को आखिरी के 5 गेंदों में 7 रन की जरूरत थी, लेकिन दूसरे गेंद यहां पर जबरदस्त फेंका रबाडा ने और दूसरी गेंद का यहां पर रसेल के पास कोई जवाब नहीं था। इस प्रकार से अब यहां पर केकेआर को जीत के लिए 4 गेंदों में 7 रन की जरूरत थी। और गई उसके बाद जो ओवर का तीसरा गेंद था, यानी कि थर्ड बॉल था, वो न सिर्फ इस मैच का बल्कि पूरे आईपीएल 2019 का सबसे बेस्ट बॉल था, क्योंकि इस बॉल की स्पीड 147 किलोमीटर पर आवर थी और साथ ही साथ एक जबरदस्त सटीक यॉर्कर था, जिसका कि रसेल के पास कोई जवाब नहीं था। और इस गेंद के सामने रसेल चारों खाने चित हो गए और क्लीन बोल्ड हो गए। सो गाइस यहां पर रसेल के साथ केकेआर की उम्मीदें भी चली गई, लेकिन अभी भी यहां पर केकेआर को जीत के लिए 3 गेंदों में 7 रन की जरूरत थी। और बैटिंग करने आए रॉबिन उथप्पा ने अगला गेंद पर 1 रन लिया और कप्तान दिनेश कार्तिक को स्ट्राइक दे दी, और अब यहां पर 2 गेंदों में जीत के लिए 6 रन की जरूरत थी। ओवर की 5वीं गेंद पर दिनेश कार्तिक ने बल्ला जरूर घुमाया, लेकिन सिर्फ 1 रन मिल पाए। सो ऐसे में यहां पर आखिरी गेंद पर केकेआर को जीत के लिए 5 रन की जरूरत थी और स्ट्राइक पर रॉबिन उथप्पा थे। और यहां पर आखिरी के एक बार फिर से रबाडा ने यॉर्कर फेंका, जिसके खिलाफ यहां पर रॉबिन उथप्पा सिर्फ 1 रन ले पाए। सो ऐसे में यहां पर कगिसो रबाडा ने सुपर ओवर में कमाल कर दिखाया, और रसेल कार्तिक और उथप्पा जैसे बल्लेबाजों के अगेंस्ट उन्होंने सुपर ओवर में सिर्फ 7 रन दिए। इस प्रकार से इस मैच को दिल्ली कैपिटल्स ने सुपर ओवर में 3 रन से जीत लिया। सो गाइस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और आपको बता दें कि इस मैच में पृथ्वी शॉ को उनके 99 रन के बदौलत मैन ऑफ द मैच मिला था। हालांकि इस मैच के असली हीरो थे कगिसो रबाडा, जिन्होंने सुपर ओवर में मैच को पलट दिया था। तो गाइस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने इस मैच को लाइव देखा था या नहीं, तो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और क्रिकेट से जुड़ी सभी न्यूज सबसे पहले पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।